बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि जावा ब्रीडिंग टिप्स के बारे में जो है ना आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, तो आज की वीडियो में आप दोस्तों को मैं जो है ना थोड़ी सी टिप्स दूंगा कि जावा से जो किस तरीके से ब्रीड लेनी चाहिए, उनके डाइट के बारे में बताऊंगा और किस तरह उनका इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि जावा जो है उसमें आसानी से इजीली ब्रीड कर सके। जिन दोस्तों के पास जावा स्पेयर हो तो वो वीडियो ना एंड तक लाजमी देखिए, और जो जावा रखना चाह रहे तो वो भी एंड तक लाजमी देखें। इंशाल्लाह आप दोस्तों को इस वीडियो से बहुत कुछ जगह सीखने को मिलेगा। माशाल्लाह से जावा स्पेयरों की जो है ना कॉलोनी ये रही, और यहाँ पर मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या जो है ना बर्तन रखे हुए, सॉफ्ट फूड के हो गए या फिर जो है ना मिक्स जो मैं सीड देता हूँ उसके वजह से सारे बॉक्स लगे हुए। अलहमदिल्ला काफ़ी हद तक जो है ना सब में ब्रीड आई हुई है। दो बॉक्स में जिसमें जो है ना ब्रीड नहीं आई थी, और सारा जावा भी माशाल्लाह से बैठी है, बिल्कुल फिट एक्टिव हेल्दी है। और यहाँ पर जो है ना सामने बर्तन पड़े हुए सारे, तो कौन कौन से पड़े हुए मैं आप दोस्तों बताऊँ कि इसमें क्या क्या मैंने जो है चीज़ रखी है। सबसे पहले जो मेन चीज़ थी जो बिल्कुल 24 घंटे जो है ना जावा केज में चाहिए, वो ये थी मिक्स सीड। मिक्स सीड के अंदर मैं जो है ना क्या क्या लेता हूँ, वो जो है ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना मिक्स की है मैंने, ऐड करके दी हुई इनको। इसके अंदर जो है ना वो कनेरी सीड है, मोटी कंगनी है, बारीक कंगनी है, बारीक बाजरा है, लाल बारीक कंगनी है, और टोटा चावल है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स है। तो ये छः चीज़ें मिक्स करके मैंने इनके आगे रखी हुई, और एक आखिर में जो है ना चार्ट भी आ रहा है जिसके ऊपर जो है मैंने इनका लिखा हुआ कि किस हिसाब से मैंने जो है ना ये मैं इनको मिक्स करके देता हूँ। तो ये जो है ना मिक्स सीड जो है 24 घंटे इनके आगे पड़ी रहती है। और ये दूसरा बर्तन आ गया, इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ इनके लिए, ये रखा हुआ इसके अंदर जो है ना चावल के जो है ना चावल के बीच होता है, इसके अंदर जो है ना इस बीच के अंदर जो है ना चावल होगा, तो ये भी जो है बर्तन शॉप से इजीली मिल जाता है। बाकी मैंने टोटा चावल इसमें भी ऐड करके दिए हैं, और मैं ऐसे भी जो है ना ये छिलके साथ में, तो ये बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। दूसरे नंबर पर ये भी 24 घंटे जो है ना कॉलोनी के अंदर ही पड़ी रहती है। तीसरे नंबर पर ये जो है ना 24 घंटे कॉलोनी के अंदर पड़े रहने चाहिए, तो ये क्या चीज़ है, ये जो है ना कैल्शियम ब्लॉक और जो है ना समंदरी जाग का पाउडर है। तो मैंने लिए कितने, जो कैल्शियम ब्लॉक के जो पीसेस होते हैं, एक जो है ना एक पीस एक उसके अंदर जो है ना पाँच होते हैं, एक रोल होता है उसके अंदर जो है ना 5 पीस होते हैं, वो जो है ना बिल्कुल मैश कर दें, और समंदरी जाग के जो है दो इतने पीस बड़े बड़े पीस लेकर उसको बिल्कुल जो है ना बिल्कुल पाउडर कर दें, तो उनको मिक्स कर दें। दो समंदरी जाग के जो है ना पीस होंगे और बाकी कैल्शियम ब्लॉक के जो है ना 5 पीस होंगे, तो उसको मिक्स करके जो है ना फिर ये थोड़ा थोड़ा मैं डालता हूँ, फिर जब ये ख़त्म होते तो और मैं इसमें ऐड करके दूँ। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना 24 घंटे जो है ना कॉलोनी के अंदर रहती है। और चौथे नंबर पे पानी, बिल्कुल फ्रेश पानी जो है ना जिनको डेली देता हूँ, और नहाने के लिए मैं इनके लिए पानी रखता हूँ। बर्तन वो सुबह के टाइम होता है जब धूप होती है, उस टाइम जो है ना मैं यहाँ पर एक बड़ा बर्तन रख के ताकि ये ईजिली जो है ना उसके अंदर नहाए और इंजॉय करती है। बहुत सारी जितनी भी जावा बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उसको सुबह के टाइम रखता हूँ। फिर जब अगर ज़्यादा गर्मी तो शाम के टाइम देता हूँ, वो एक टाइम मैं खाने को रखता हूँ। और उसके अलावा पानी जो है ना इस बोटल में रहता है, ये 24 घंटे जो है ना पड़ी रहती है बोटल, 24 घंटे और मैं बिल्कुल फ्रेश पानी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। आगे सर्दी आएगी तो सर्दियों में जो है ना फिर थोड़ा बहुत अलग हिसाब होता है, क्योंकि सर्दियों का जो है ना रात को पानी टाला होता है, क्योंकि ठंड की वजह से जो है ना अगर ठंडा पानी पी जाए तो फिर जो है ना जावा वो फूल के बैठती है। तो वैसे गर्मी में 24 घंटे पानी पड़ा रहता है। तो ये जो चार चीज़ें मैंने आप दोस्तों को बताया, ये तो 24 घंटे जो है ना कॉलोनी के अंदर ही रहती है। पाँचवें नंबर पर आ गया सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड के अंदर जो है ना आज मैंने जो डाली इनको, ये डाली गाजर, इसको मैंने कद्दूकश के गाजर को, तो ये बहुत ज़्यादा शौक से खा, थोड़ी बहुत इनसे बच भी जाती है। तो इनको मैं सॉफ्ट फूड के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें, तो मैं आप दोस्तों बताता हूँ। सॉफ्ट फूड के अंदर जो है ना मैं इनको गाजर देता हूँ, एक दिन पालक देता हूँ, अगले दिन जो है ना मैं एग को बॉयल करके इसको मैश करके उसके अंदर जो है डबल रोटी मिक्स करके एक दिन को जो है ना एक दिन कोई ना कोई सॉफ्ट फूड मैं इनको लाजमी दे देता हूँ। और टिंडे होगा, टिंडे को कद्दूकश करके दे सकते हैं, कद्दूकश करके वो भी जो है ना दे सकते हैं। हफ्ते में एक भी जो है डेली कोई ना कोई सॉफ्ट फूड आपने लाजमी, जितने मैंने आप सॉफ्ट फूड बताए उसमें से आप कोई भी जो है ना एक दे सकते हैं। इससे मैंने आज इनको ये गाजर दिए, तो कल मैंने इनको अंडा दिया था, तो मैं परसों जो है पालक दे दूंगा। एक ना एक दिन कुछ ना कुछ जो है मैं चेंज कर देता हूँ, और सॉफ्ट फूड के अंदर डेली कुछ ना कुछ डाल देता हूँ। और जो सॉफ्ट फूड है वो जो है ना कॉलोनी के अंदर 4 घंटे तक पड़ा रहेगा, 4 घंटे बाद से जो है ना ये सॉफ्ट फूड हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैं कुछ डाइट लेकर चलता हूँ, अलहमदिल्ला माशाल्लाह से सही से जो है ना सारी ब्रीड करती है और एक्टिव है, हेल्दी है। तो ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई, मैं तो इस तरीके से अपना डाइट प्लान लेकर चलता हूँ। तो आप दोस्तों को मैंने डाइट प्लान बताया कि किस तरीके से मैं जो है ना चावा की जो है डाइट मेंटेन करता हूँ। और पानी के अंदर मैं इनको सिरप भी ऐड करके देता हूँ। हफ्ते में जो है एक दफ़ा मैं कैल्शियम के सिरप और एक दफ़ा जो है ना लाइजोवेट सिरप भी ऐड करता हूँ। 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml जो है ना लाइजोवेट सिरप होता है, और 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml जो है ना कैल्शियम पी का सिरप हफ्ते में सिरप। जैसे पीर को मैंने कैल्शियम पी सिरप दिया, फिर मंगल बुध छोड़ के फिर जुमेरात को जो है लाइजोवेट सिरप दिया, फिर इसी तरीके से जो है अगले हफ्ते में इस तरीके से मैं जो है ना इनको पानी में ऐड करके देता हूँ। और
जावा का एनवायरनमेंट इस तरीके से रखा हुआ कि जो ना मैंने ये स्टिके लगाई हुई साइड पर जावा इस तरीके से बहुत पसंद करती है, एक जगह पर सारी और सामने जो है ना बॉक्स लगाए हुए और वेंटिलेशन की जो उस जगह तो जो है ना मैंने थैल लगाई हुई और क्योंकि सर्दियाँ आ रही आगे वैसे जो है ना वेंटिलेशन के लिए वो जगह होती है और पूरा फ्रंट खुला है और जावा केज के अंदर ना धूप भी जो है ना अभी तो जो है ना शाम का टाइम हो रहा है और जब धूप होती है तो फिर अंदर अंदर थोड़ी बहुत धूप भी आती है तो जावा धूप को भी जो है ना बहुत इंजॉय करती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, पसंद आए तो वीडियो को आदमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दो में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।